Welcome back to another PUBG Mobile video. आ गया हूं मैं वापस से आज करने आखिरी वीडियो लेके। तो आज हमने स्लॉबी के अंदर बहुत सारे ट्रॉल्स कर रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छा वीडियो है, तुम्हें देखने जरूर मजा आएगा। बट उससे पहले मैं एक ऐप लाया हूं जिसकी वजह से तुम्हारा अगर PUBG में दिक्कत होती है, लैग होता है, तो वो तुम फिक्स कर सकते हो। इस ऐप का नाम है नॉक्स क्लीनर ऐप और आप इसे बड़ी ही आसानी से प्ले स्टोर पर ढूंढ सकते हो और इसको डाउनलोड कर सकते हो। और ये एक फोन क्लीनर ऐप है और अगर आपके पास ये वाली ऐप है ना, तो सही बताऊं आपको और किसी ऐप की जरूरत भी नहीं आपके फोन में। अगर आपको लग रहा है कि आपका फोन भरे जा रहा है और आपके फोन की परफॉर्मेंस कम हो रही है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस बीच में जाके स्कैन का बटन दबाना है एक बार। वो सारा का सारा डाटा जो कि तुम्हारे फोन के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सारा फालतू का डाटा ये अपने आप स्कैन कर लेगा तुम्हारे फोन से यूजलेस डाटा। तुम्हें बस एक बार क्लीन बटन पे दबाना है और उसके बाद देखो पूरा का पूरा फोन साफ। और यही नहीं, अगर आपको लगता है कि आपका फोन स्लो हो रहा है, तो आपको बस जाके मेमोरी स्पीड अप पे एक बार क्लिक करना है और उसके बाद ही अपने आप जो फालतू की मेमोरी चल रही है, बैकग्राउंड डाटा और वो सब फालतू का सामान जो बैकग्राउंड रनिंग ऐप्स है, वो अपने आप स्कैन करके वो ऑप्टिमाइज कर देगा। और साथ में तुम बस एक एंटीवायरस नाम के बटन को नीचे दबा सकते हो बॉटम लेफ्ट में और अपने आप वो तुम्हारा फोन स्कैन करके कोई भी अगर वायरस छुपा होगा जो कि तुम्हारे पबजी गेम को स्लो करने की कोशिश कर रहा है, वो अपने आप ढूंढ के उसे पकड़ लेगा। और साथ ही में इसके अंदर तुम्हारे व्हाट्सएप के लिए एक स्पेसिफाइड क्लीनर है, मतलब अगर तुम्हारा व्हाट्सएप ज्यादा खराब चल रहा है, जैसे लैग कर रहा है वो सब, तो तुम उसके अंदर भी अपना डाटा क्लियर कर सकते हो जाकर। और इन सब चीजों के साथ इमेज मैनेजर भी है, मतलब कि तुम्हारी जितनी भी इमेजेस हैं उन्हें अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देगा, स्मॉल इमेज, बिग इमेज, स्क्रीनशॉट, वीडियोस, ब्लर इमेजेस एक्सेट्रा। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा फोन इतना ज्यादा गर्म हो गया पबजी खेलते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस जाओ सीपीयू कूलर पे एक बार दबाओ और बस तुम्हारा फोन ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाएगा फ्रेंड। और अगर तुम्हें घुस के अपना फोन साफ करना है, तो फिर तो भैया डीप क्लीनिंग हमारी एक खतरनाक चीज है ही। जल्दी जाओ फ्रेंड, नीचे जाके नॉक्स क्लीनर डाउनलोड करो और अपने पबजी को बिना लैग के चलाओ। तो आ गया हूँ मैं जॉर्जो पूल पे। अब तुम बोल रहे हो कि भाई तू इतने दिन तो जॉर्जो पूल की ब्यूटीफुल सिटी क्यों नहीं गया, और तू डियो वर्सेस स्क्वाड क्यों खेल रहा है, क्यों तेरे को माइनस 50 का डर नहीं है, क्या तेरे को बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि तेरी रैंकिंग घट जाएगी, क्या तेरे थप्पड़ पड़ जाएगा माइनस 50 का तेरा मुंह पे चाड़ा सा जिसकी वजह से तू रोने लग जाएगा? तो उसका सिर्फ मैं एक ही जवाब देना चाहता हूँ कि हमारे मैक्सटन भाई ने जो जॉर्जो पूल की ब्यूटीफुल सिटी उसे हद से ज़्यादा पॉपुलर कर दिया है। मतलब कि वो कहता है अपनी वीडियो में कि कभी भी अगर तुम किंग एंड्रू को लॉबी में मिले, तो तुम लोग जॉर्ज पूल की ब्यूटीफुल सिटी आओ और उसको मार के चले जाओ, उसे माइनस 50 का थप्पड़ दे दो। तो ये तो एक रीजन। और दूसरा रीजन ये सीजन खत्म हो गया है, मतलब कि सीजन 6 स्टार्ट हो चुका है। ये गेम प्ले एक तरह से तो मान लो आखिरी गेम प्ले था मेरा सीजन 5 का, एक तरह से तो मेरा लास्ट गेम प्ले मान सकते हो। तो अगर माइनस 50 का थप्पड़ पड़ता भी है, घूसा पड़ता भी है, रोने लगता भी है, तो किसी को अंतर थोड़ी पड़ेगा, कॉस किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मेरा माइनस 50 हो गया और मेरी रैंकिंग घट गई है। ऑफ कोर्स तो मैं बिना डरे खेल रहा था। और ये जो लॉबी है ना, ये ओकीस लॉबी, मतलब कि इसके अंदर उतने अच्छे प्लेयर में कोई मिला नहीं मारने वाला है, ठीक है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, मैंने और हंटर ने, कि भाई इस लॉबी के साथ थोड़ा मजा लेते हैं, मतलब इस लॉबी के अंदर ट्रॉल्स करते हैं, गंदे गंदे ट्रॉल, मतलब कि लिटरली तुम ये देखोगे ना हमने क्या नहीं किया भाई बंदों के साथ, क्या नहीं किया, उन्हें नॉकआउट करके उनके साथ जो नाचे हैं, जो बैंड बजाया है, जो उनके साथ मतलब मौली और ग्रेनेड से हमने हरकतें करी है ना, तुम्हें देख के मजा आ जाएगा। तो वैसे अगर तुमने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है ना, मतलब इतना कुछ अच्छा खासा सुनने के बाद, मतलब तो यार तुम नीचे जाके लाइक कर सकते हो, मतलब तुम्हारे पास अभी खुली छूट है। 2 KD का गेम प्ले है, इसके अंदर सारे प्लेयर 2 KD के हैं, एक्चुअली में 2 KD के हैं। तो नीचे जाओ, 2 लाख का सिंपल टारगेट है फ्रेंड्स, हर बार हमारा 2 लाख का होता है। वेक्टर से मैंने अभी अच्छे खासे किल चोरी का काम जाम शुरू कर दिया, बिकॉज मेरे पे और कोई गन नहीं है, मैं लिटरली वेक्टर लेके पुश कर रहा हूँ। मतलब लोग जब तक M4 नहीं मिलती, AKM नहीं मिलती, वो डर के छुपे रहते हैं, तुम्हारा भाई वेक्टर लेके डॉन बना फिर रहा है गलियों में, यही तो बात है। और यहाँ पे मैंने ग्रेनेड से एक बंदे को फोड़ा और इसे भी नॉकआउट करके मैंने इस पर भी पुश कर दिया। मतलब ना मेरे भाई वेक्टर की इतनी गोलियां, सही बताओ मेरे पे अगर 2 बंदे चढ़ गए ना गलती से, मैं रेंगता फिरूंगा, रोता फिरूंगा, कौन भैया बचाएगा कौन हमें, हंटर भाई तो पीछे मजे में घूम रहे। तो एनीवेज मैं अभी यहाँ पे, मैंने यहाँ पे जो सॉकेट बंदे को ख़त्म करने वाला हूँ यहाँ पे मैं, कॉज मैं नहीं चाहता कि भैया ये रिवाइव हो जाए, मतलब मैं चाहता ही नहीं। और मैंने यहाँ पे गलती से ना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, यहाँ पे म्यूटेंट को उठाकर, मतलब मेरे को लगा भाई म्यूटेंट अच्छी गन होगी, म्यूटेंट ओपी गन होगी, मतलब कुछ तो मतलब होगा ना इस गन का, इस गेम में आने का मतलब कुछ तो स्पेशलिटी होगी इस गन की। बट हमें कहा पता था कि रद्दी चीज तो रद्दी ही रहती है और म्यूटेंट नाम की चीज हमेशा बकवासी होती है। तो बस मतलब मैं तो धन्य हो गया भाई इसे चला के, ऐसा लगा किसी ने मुझे धनिया मार दिया मेरे उठा के। तो मैंने भाई हंटर को बोला, भाई हंटर भाई तू ले ले मेरी म्यूटेंट, मेरे को स्केस दे दे, बट यहाँ पर गेम ग्लिच हो गया, मेरी जो म्यूटेंट है वो बॉक्सेस के थ्रू नीचे गिर गई। मतलब क्या अजीब गेम है यार, क्या गेम है यार, मेरे पे एक तो गन की एमो नहीं, वैसे ही वेक्टर पे मेरे इतने खत्म हो गया एमो, ऊपर से ड्रामे और हो जाए,
तो फिर मैं गलती से भागते हुए यहाँ पे मिल गई M4 और तुम्हारा भाई आ गया फॉर्म में, मतलब M4 मिल गई यार और क्या चाहिए। और फिर तो हमने यहाँ पर बजा दिया भाई, बंदों को छोड़ा ही नहीं, मतलब कांड ही हो गया फ्रेंड। मत बोलना तूने उसको नॉक किया। अबे यार छोड़ यार, फिर तू बोलेगा अपना वो घटिया सा डायलॉग, बोल नहीं नहीं मेरे को। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा वार्तालाप हुआ था मेरे और हंटर भैया के बीच में। बाय द वे तुमने अगर हंटर का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके तुम कर सकते हो, उसका लिंक तुम्हें नीचे मिल जाएगा। हंटर बंटर भैया इस गेम प्ले के अंदर उन्होंने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया सिवाय मरने के और ट्रॉल्स करने के। वैसे देखा जाए तो नो बड़ा है ही है, वैसे भी दो केडी का प्लेयर है मैक्सन टाइप, मैक्सन भाई दो केडी के, तो हंटर को तुम तीन केडी का बोल सकते हो। अच्छा मतलब ये दोनों दो तीन केडी के प्लेयर थे, तुम्हारा भाई सिर्फ अकेला 15 केडी का प्लेयर है। ओके फ्रेंड्स, हाँ पता है ज़्यादा फेंक दिया, मतलब ठीक है ठीक है, कंट्रोल फीलिंग्स, ओके कंट्रोल फीलिंग्स फ्रेंड्स। तो सीजन 6 जब शुरू हो चुका है तो यहाँ पे मेरे को बॉट मिला, बॉट के असली प्लेयर था कि क्या, TPB ले रहा था ये बॉट। अच्छा शायद से मेरा फैन है ये बॉट। अरे 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 आई लाइक दिस किड, मतलब ऐसे बॉट होने चाहिए यार गेम के अंदर। TPP ले रहा था वो बॉट भाई कंटेनर से, तुमने देखा TPP, मतलब इतना ज़्यादा फेमस हो गया हमारा TP, मतलब बॉट तक TPP लेने लग गया, मतलब हमारा रीच देखो कैप गैंग, ये सब आपके प्यार और मतलब सपोर्ट की वजह से कि बॉट भी TPP लेने लग गए हैं, मतलब इट्स सो गुड। एनीवेज तो हम गाड़ी लेके चल पड़े और यहाँ से हमने जो शुरू करी है ट्रॉलिंग करने, आए हाय 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 हाय, गलत ही सीन कर दिया था। और यहाँ पे मैं उतरते इतना स्वैग में उतरा इतना ज़्यादा कि गेम ने कहा बेटा तो ज़्यादा स्वैग में आ रहा है, रुक जा थोड़ा हील वील कर ले। और फिर तो मेरे को पता था यहाँ बंदा मैं नीड करके घुस गया। और फिर यहाँ से हमने तो भैया ट्रॉलिंग नाम की चीज़ शुरू करी ना, जो मजा ही आ गया कहा बताएं बस। अब इसको लूटो नहीं है, मैं फोड़ रहा। जल गया भाई वो, जल गया लिटरली, आग में जा रहा है वो। अरे रुक, मुंह पे गेट लगा दिया। तो यहाँ पे इस बंदे के साथ अलग ही सीन करके हमारी चुल शांत नहीं हुई, मतलब अभी भी हमारे अंदर तलब है कि हम भैया और ट्रॉलिंग करें और ट्रॉलिंग करें और ट्रॉलिंग करें। तो हमने इस बग्गी वाले को ढूंढ लिया फ्रेंड्स, फिर इसे का पता था कि इसके पीछे तो ट्रॉलर्स पड़ गए हैं। अरे अरे आले आले, तो फिर अब इसके साथ भी हमने वही काम कर दिया भैया जी, मजा आ गया। अंधा हो जाएगा। इसकी पैन पे मारते हैं, चल इसके पैन पे। अबे इस बेचारे को मारते, अबे ऑल बोलो, कुछ बोल तो नहीं रहा। और ये सक्सेसफुल ट्रॉल करके हम निकल ही रहे थे, बट इसके टीममेट्स को शायद हमारी हरकतें थोड़ी बुरी सी लगी, वो आके इनको चिपट गए भैया जी, उन्होंने हंटर को नॉकआउट कर दिया। और फिर तुम्हारे भाई के अंदर से जगह मतलब लेजेंडरी प्लेयर मतलब हंटर भैया को भी जिंदा रखना, अगर अभी ट्रॉल्स खत्म हो गए हमारे तो भैया अच्छा थोड़ी लग रहा। तो मैं फ्रेंड्स तो मैं भागा गया, गिली सूट वाला ज़्यादा स्मार्ट समझ रहा था अपने आपको, इसके ऊपर से गाड़ी लेके गया मैं डायरेक्ट। और फिर मैं वापस से गाड़ी घुमाई और फिर इसके ऊपर से वापस गाड़ी लेके गया, भाई जिंदा थोड़ी छोड़ दूंगा तेरे को, मेरे प्लेयर को नॉकआउट किया तूने बेटे, ऐसे कैसे छोड़ दे आपको।
और फिर घर वाले यहाँ पे हंटर को मारने की पूरी कोशिश कर रहे थे, बट उन्हें कहा पता था कि गाड़ी से अच्छा कवर तो कुछ भी नहीं है इस गेम के अंदर। तब ने गाड़ी आगे लगा दी, मार दो कितनी गोलियां मारोगे, ऐसा करो गाड़ी ही फोड़ दो हमारी, मतलब हमारी तरफ से जाओ फोड़ दो गाड़ी। बट उन्होंने फोड़ी नहीं, उन्होंने उनको चांस दे दिया भागने का। मैंने स्मोक किया, जल्दी से हंटर को हील करने बोला, थोड़ा वेट किया, और भैया जी हम तो गाड़ी में लेके भाग लिए भैया, भाग गए, लड़ाई नहीं करनी है भैया, हम बहुत नेक दिल के आदमी, लड़ाई वड़ाई नहीं करते, हम बस ट्रॉलिंग करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमको दो बंदे दिख गए थे दूर से, तो हम लोगों ने इन पर रश कर दिया, और ये दोनों के दोनों बंदे ना गलती से मेरे एक स्प्रे के अंदर आ गए, और दोनों एक ही बारी में नॉक हो गया, फिर गया यार। मतलब तुम्हें पता होगा मैं क्या करने वाला हूँ, मेरी हरकतें अभी तक तुम देख चुके होगे कि मैं अब क्या करने वाला हूँ। पहले हाथ ला के हेलो बोला इन्हें, तो इसको लगा भाई मेरा फ़ैन फोन तो नहीं मेरे को छोड़ देगा, बट इसे कहा पता था कि हम तो ट्रॉलिंग वीडियो बना रहे हैं। तो अब इसके साथ तो सीन ही गलत हो गया, अब इसका टीममेट भी हैरान, ये भी हैरान। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये दोनों क्या सोच रहे होंगे, बोल रहे होंगे आज के बाद हम पबजी नहीं खेलेंगे, भाई क्या नमूनों से पंगा हो गया हमारा, हम यहाँ लिटरली नाचे। और ये दोनों बंदे तो एक साथ आके ऐसे बैठ गए जैसे कि यहाँ पे मूवी चल रही है, और हम इसके अंदर एक तरह से नमूने बंदर टाइप यहाँ नाच रहे हैं एक तरह से, मतलब ये हमारे लिए तुम्हारे लिए कोई शो चल रहा है कि बेटा क्या कर रहे हो ये आप हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया भाई नहीं 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 ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोगों ने फोड़ दिया अपने ग्रेनेड्स निकाल के। तो एक बंदा तो वहीं हिला रहा, मतलब वो तो जानता था कि वो मर गया, बट ये दूसरा वाला अभी भी बचना चाह रहा था। तो आई वाज लाइक भाई क्या कर रहे हो, लेको नाच रहे हैं हम, नाच नाच के मारेंगे आपको, वी आर ट्रॉलर्स बॉय, वी आर ट्रॉलर्स। तो भैया इसको भी फिर हमने नेट से फोड़ दिया, मतलब मासूमियत देख रहे हो इस नॉकड आउट प्लेयर के मुँह पर दिख रही थी, झलक रहा था उसके अंदर का दर्द कि वो फटके मरने वाला है, बट हमने उसे छोड़ा नहीं फ्रेंड्स, कॉज हम लोग बहुत ही ज़्यादा ट्रॉलर है फ्रेंड्स। जोन आ चुका था तो हमने सोचा भाई गाड़ी लेके भाग लो उससे पहले जोन के अंदर ही हम मर जाए। एनीवेज तो इधर मैं जा रहा था तो मैंने देखा राइट साइड के स्क्वाड हाउस उसमें नीचे जीप लगी हुई, बट शूटिंग लेफ्ट साइड में हो रही थी, बड़ी अजीब बात है। तो हम लोगों ने लेफ्ट वाले पे पुश कर दिया, और फिर तो तुम्हारे भाई ने यहाँ पे अलग ही किस्म का ट्रॉल मार दिया, मतलब एक ऐसी चीज़ कर दी जिसके बाद ना प्लेयर का कैरियर ही खत्म हो जाएगा। सही बताएं तो ये प्लेयर आजकल पबजी छोड़ देगा जो अभी यहाँ पे काम करने वाला हूँ मैं। ऊपर है तो हील मार रहा हूँ भाई, दोनों पड़ गए। नेड नहीं, रुक जा, अबे क्या हुआ, पेन मार दिया। अबे भाई भाई बहुत गंदा है भाई ये तो, सीरियसली सही बता तो इस बंदे के साथ तो गलत ही काम हो गया था, मैंने घुस के पैन से मार दिया। एनीवेज तो ये सामने तुम्हें नमूना बंदे कूदता हुआ तो दिख ही रहा होगा, और इस नूबड़े को लग रहा है कि हमने इसे देखा नहीं है ये, और ये ऐसी बंदर टाइप कूदता जा रहा है। इसके पास एक्चुअली घिली सूट है और AWM है, तो हम लोग थोड़ा ध्यान से बैठे हुए हैं, बट इसे कहा पता था कि हम लोग तो ट्रॉलर्स हैं, हम अब इनका ट्रॉल करेंगे फ्रेंड। तो हम लोगों ने उसको पहले मेरे को एक्जैक्टली उसकी पोजीशन दिख नहीं रही थी, वो कहाँ लेटा भैया, आजकल के इतने खतरनाक सांप है तुम्हारे सामने लेटे होंगे तो मैं दिखेंगे नहीं, पता नहीं कौन से निंजा टेक्निक सीख चुके हैं ये लोग आजकल के टाइम में। एनीवेज तो हमने भी कहा बेटा जी ज़्यादा खुश ना होइए, हम आपको पहले स्पॉट करेंगे, पहले मार्क करेंगे, फिर घुस के मार देंगे। बट हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इसे ऐसे वैसे नहीं मारेंगे, हम इसका भी कैरियर ख़त्म करने वाले स्टाइल में इसे मारेंगे। तो पहले बंदे को ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रहा था, बट गलती से मेरे को वो नोबड़ा लेटा हुआ देखा, मैंने वहाँ मार्क लगाया एक, तो आई गॉट सप्लाइज दबा दिया गलती से। तो यहाँ पे मैंने परमानेंट मार्क लगाया एक, हंटर को बोला हंटर भैया आर यू रेडी, हंटर ने कहा यस सर, और फिर यहाँ पे ट्रॉल कर दिया फ्रेंड्स। मार दिया तो और इसको मार के हम लोग इतनी जल्दी से भाग लेना, वही वहां से कोई बिल्डिंग से हम पे मिनी फायरिंग हो ही रही थी, तो भैया अगर हम वहां ज्यादा देर तक रहते ना सही बता हमको वही लिटा दिया जाता है। बट यहाँ पे हम लोगों ने गलती कर दी, हमने इस लॉबी को हद से ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया, और हमें कहा पता था कि अब जो गेम प्ले होने वाला है वो 2v4 का गेम प्ले, और
हम लोगों की बैंड बजने वाली है, क्योंकि जो आखिरी स्क्वाड बची है ना, ये ऐसे वैसे प्लेयर्स नहीं, थोड़े ढंग के प्लेयर्स है। और हम लोगों ने इनको ट्रॉल करने के चक्कर में, मैं लिटरली तुम देख रहे हो पैन निकाल के इनके सामने भाग रहा हूँ, और ये प्लेयर्स इतने गंदे नहीं देखे इनको पैन से मार पाऊँ मैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे स्कैम हो गया फ्रेंड्स। लिटरली मतलब तुम देख रहे हो हंटर को कह रहा है बैकग्राउंड में, भाई मत जाएन ब्रू, चार बंदे हैं पेल देगी तेरे को, बट तुम्हारा भाई तो अलग ही सैवेज लेवल पे है, उसको अंतर ही नहीं पड़ रहा, वो पैन लेके कूदे जा रहा है बंदर टाइप, जैसे कि उसको कुछ कोई मार ही नहीं सकता। बट इस नमो ने बंदर को कहा पता था कि अब स्क्वाड वाइप तो नहीं होगी, हम ही उड़ने वाले हैं, बिकॉज इस बार हम क्लच नहीं मार पाएंगे 2v4 लाइक हमने पिछली वीडियो में मारी थी। और तुम्हारा भाई यहाँ पे पीछे से धप्पा हुआ मेरा, और हंटर भाई अब अकेले वापस बच गए लाइक लास्ट वीडियो, और मुझे लगा भाई हंटर वापस से क्लच ना मार दे, मैं तो बद्दुआ दे रहा था मर जाइए, और सही में मरी गया ये। और यहाँ पे हमारी सेकंड पोजीशन है। एनीवेज गाइस, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी और तुम्हें और ऐसे ट्रॉल्स देखने मजेदार, तो जरूर जाके नीचे बताना और सब्सक्राइब करो, अगर तुम चैनल पे नए हो शेयर करो दोस्तों के साथ, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और मैं मिलूंगा तुम्हें विद द ब्रांड न्यू वीडियो बहुत ही जल्दी। और यार मैक्सटन भाई की चाय आजकल थोड़ी फीकी फीकी सी हो रही है, मैक्सटन भाई थोड़ी चीनी वीनी डाल दिया करो यार चाय में, क्या बना रहे हो आजकल, मतलब एक ही तो काम दिया आपका।